नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आपका मेरे YouTube चैनल PS ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको क्या कहते हैं लॉकडाउन में कुछ ज़रूरी सामान लेने गया था, तो मैंने आपके लिए छोटा सा वीडियो शूट कर लिया। देखिए ये आपके क्या कहते हैं चुंगी के आसपास का एरिया है। देखिए किस तरह से लॉकडाउन में सन्नाटा पसरा है। लोगों ने इलाहाबाद में जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया उसको बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। देखिए काली मंदिर के आसपास का क्षेत्र है। देखिए किस तरह से ये ऐसा जगह है जहाँ पे लाखों लोग पर डे आया जाया करते थे। देखिए किस तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा मार्केट में एकदम बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ, कोई नहीं दिख रहा है। देखिए ये नैनी की तरफ जाने वाला रास्ता है एकदम वीरान सा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा मातम सा छाया हुआ है, पर अच्छा है। क्या कहते हैं लोग सरकार के जो नियम हैं गाइडलाइन हैं उनको फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही रिलैक्सेशन है लोगों को लॉकडाउन की वजह से। देखिए ये देखिए चौराहा है। लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं जो नंबर है संख्या है कोरोना पेशेंट्स की वो भी कम हुई है और बहुत रिलैक्सेशन है। जो भागा दौड़ी थी ऑक्सीजन और रेमडेसिविर और क्या कहते हैं बहुत सारे दवाइयों की, तो वो थोड़ी कम हुई है। लॉकडाउन से बहुत असर पड़ा है। ये देखिए बैराना चौराहा है। तो और एक तो मैं सैल्यूट करता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को जो अपनी जान का रिस्क लेके सुरक्षा हमें सुरक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। देखिए अब रामबाग भी स्टार्ट हो गया। मतलब जो गलियाँ एकदम भरी भरी होती थी, एकदम फुल होती थी, जहाँ यातायात के जाम लगते थे, वहाँ पे भी लोग बिल्कुल शून्य सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए ये चौक है, चौक का मुट्ठीगंज मार्केट शुरू हो गया है आपका, बिल्कुल ही सन्नाटा, सारी दुकानें लगभग बंद है। सरकार के गाइडलाइन का पूरा इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ की जनता को मैं सत सत नमन करता हूँ कि वो कोरोना में मिलके एक साथ लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जय हिंद।